जय श्री राम हिंदुस्तान। दिल्ली में जो हत्याकांड हुआ है, जो हमारे राम भक्त राष्ट्रवादी रिंकू शर्मा जी की हत्या कर दी गई है, उनका कसूर केवल इतना था कि वो अयोध्या मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे और कुछ मुस्लिम लड़कों ने मार मार के डंडों से और चाकू से उनकी हत्या कर दी। ये हो क्या रहा है हमारे देश में? जब भी इन लोगों का मन करता है, जब भी इन लोगों का दिल करता है, ये किसी की भी हत्या कर देते हैं। उन्होंने किसी को गाली नहीं निकाली, किसी को मारा नहीं, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, अपने भगवान के मंदिर के लिए चंदा ही तो मांग रहे थे, सेवा ही तो कर रहे थे। इसमें कौन सी बुरी बात थी जो इन्होंने लाठियों से मार मार के और फिर चाकू से उन पर वार किया और किस तरीके से उनकी हत्या करी है वो सारा देश जानता है। मेरी आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से प्रार्थना है कि इनमें से एक भी लड़का जो है वो बचना नहीं चाहिए। ये जितने भी द्रोही हैं इन सभी को सजा मिलनी चाहिए। और मैं थ्रू मीडिया के माध्यम से उन लड़कों से कहना चाहता हूं, और जो और भी राष्ट्र विरोधी हैं, मैं अगर इतना ही शौक है ना लड़ने का, तो हम जैसों के साथ एक एक हाथ हो जाए अकेले अकेले, पता चल जाएगा कि राम भक्तों में और राष्ट्र भक्तों में कितनी ताकत है। इस तरह से आप एक एक राष्ट्र भक्त के ऊपर 20-20 लोग उसको मार रहे हो अकेले बंदे को, यही चीज आपकी दर्शाती है कि आप लोगों का दिल कितना है और गुर्दा कितना है। आप लोगों में दम नहीं है राम भक्तों से लड़ने का, बस अकेले देखा नहीं, टूट पड़े उसे मारने के लिए। ख्वाहिश होगी तो मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। अकेले अकेले जो भी राष्ट्र विरोधी है लड़के देख लीजिएगा, परिणाम आप सभी के सामने होंगे। जय श्री राम।